वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस बाय जेएस धनजू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो कि कंप्यूटर एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो आज हम इसका पार्ट 20 डिस्कस करेंगे। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एमसीक्यूज के सेट 8 तक कर चुके हैं और यह माइक्रोसॉफ्ट एमसीक्यूज का सेट नंबर 9 है। हर सेट में हम 20-20 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, मींस अभी तक हम 160 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 161 क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। आप पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 161। शिमर, स्पार्कल टेक्स्ट, ब्लिंकिंग बैकग्राउंड एक्सेट्रा आर नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टेक्स्ट इफेक्ट्स। एमएस वर्ड में जब आप टेक्स्ट इफेक्ट्स चेंज करना चाहते हो तो आप ये वाली ऑप्शन चूज करोगे और यहां से ये देखिए आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आ जाएंगी। यहां से आप कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके उनमें से ये सारे के सारे टेक्स्ट इफेक्ट्स चूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड के इस लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो कि बार बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, एम्बोस, एनग्रेव आर नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉन्ट इफेक्ट्स। ये देखिए, जब आप फॉन्ट टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ये है फॉन्ट इफेक्ट्स। यहां से आप कोई भी फॉन्ट इफेक्ट चूज कर सकते हो, मींस यहां पे चेक बॉक्स को आप टिक कर सकते हो, जो भी ऑप्शन आप चूज करना चाहते हो। उसके बाद आप ओके प्रेस करोगे तो वो वाला फॉन्ट इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो जाएगा। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज होते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर आर नोन एज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फॉन्ट स्टाइल्स। अगेन आप फॉन्ट टैब से फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करोगे और यहां से आप चूज कर सकते हो कि आप कौन सा फॉन्ट स्टाइल रखना चाहते हो, रेगुलर, इटैलिक या बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल सेट्स वुड बी मोस्ट लाइकली टू कंटेन अ मैथमेटिकल सिंबल सच एज डिग्री साइन, ग्रेटर देन साइन और इक्वल टू और ग्रीक लेटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सिंबल। ये देखिए, ये है एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट। तो जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये एक सिंबल वाली ऑप्शन आ रही है, तो आप यहां पे क्लिक करने के बाद यहां से कोई भी सिंबल चूज कर सकते हो और मोर सिंबल्स ऑप्शन पे जाने के बाद आपको और कई सारे सिंबल्स नजर आएंगे। यहां से आप कोई भी सिंबल सेलेक्ट कर सकते हो। यहां से जैसे मैं ये एक सिंबल यूज कर रहा हूं, तो यहां से आपने सेलेक्ट किया और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद ये सिंबल वहां पे आ जाएगा। ये देखिए, तो सिंबल ऑप्शन कहां से चूज करते हैं, इंसर्ट टैब पे क्लिक करके उसके बाद सिंबल से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले एक बात जो कि मैं अपने हर लेक्चर में बताता हूं कि स्टूडेंट्स, जब भी आप एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि आज का काम कभी भी कल पे नहीं डालना है। जो इंसान आज का काम कल पे डालता है वह लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर सकता। सो अगर आपने यह डिसाइड किया है कि आज मैंने ये काम करके ही सोना है, तो आप उस काम को कंप्लीट करने के बाद ही सोने जाओ। इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आएगा और स्टेप बाय स्टेप आप सक्सेस की ओर बढ़ते चले जाओगे। तभी तो कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जो निरंतर चलते हैं, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी,
ये देखिए, जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में होम टैब पे हो और आपने लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को चूज करना है और उसके बाद आपके सामने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से आप लाइन स्पेसिंग चूज कर सकते हो। ये देखिए, यहां पे सिंगल, 1.5 लाइंस, डबल, एटलीस्ट, एग्जैक्टली, मल्टीपल, ये सारी की सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन ये ट्रिपल वाले ऑप्शन जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो ये इनवैलिड ऑप्शन है लाइन स्पेसिंग में। लाइन स्पेसिंग क्या होती है? तो लाइन स्पेसिंग क्या होती है, जब आप एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करते हो तो वो टेक्स्ट लाइंस में आती है, तो उन लाइंस में जो कि स्पेस होती है, मतलब जो गैप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, लाइन स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हाइपरलिंक इज क्रिएटेड वर्ड फॉर्मेट्स द वेब एड्रेस एज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अंडरलाइंड एंड कलर्ड ब्लू। इस क्वेश्चन में यही बताया है कि जब आप हाइपरलिंक क्रिएट करते हो तो वर्ड जो है वेब एड्रेस को अंडरलाइन कर देता है और उसका कलर जो है वो ब्लू कर देता है। तो ये देखिए, ये हाइपरलिंक है और इसका कलर जो है वो ब्लू है और इसे अंडरलाइन कर दिया हुआ है। जब आप इसे कंट्रोल प्रेस करके माउस क्लिक करोगे तो आप गूगल की वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। यहां पे एक और क्वेश्चन बनता है कि जब आप इस लिंक पे विजिट कर चुके हो तो उसका कलर कौन सा होगा, तो उसका कलर जो है वो ब्लू से पर्पल में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखिए, ये पर्पल कलर में उसका कलर कन्वर्ट हो गया है ब्लू से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग अंडरलाइन इन एमएस वर्ड, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। ये देखिए, ये एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में जब आप ये वाली टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हो और कंट्रोल डी ऑप्शन प्रेस करके फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करते हो तो यहां पे आपके सामने है अंडरलाइन स्टाइल की ऑप्शन। यहां से आप चूज कर सकते हो कि आप अंडरलाइन कैसे रखना चाहते हो, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन, डैश अंडरलाइन, तो आप यहां से अंडरलाइन का स्टाइल चेंज कर सकते हो। उसके बाद है अंडरलाइन का कलर जो है वो आप कौन सा रख सकते हो, तो आप अंडरलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे रेड कर दिया। उसके बाद आप ओके पे प्रेस करोगे तो ये आपके सामने, ये देखिए, ये टेक्स्ट जो है वो डबल अंडरलाइन हो गई है और अंडरलाइन का कलर जो है वो रेड हो गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कलर ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज्ड, स्टाइल ऑफ अंडरलाइन कैन बी चेंज्ड, और इस अंडरलाइन को आप कौन से शॉर्टकट की से अंडरलाइन कर लेते हो, कंट्रोल प्लस यू से, तो ये वाला जो है थर्ड ऑप्शन, अंडरलाइन कैन बी सेट यूजिंग शॉर्टकट की, ये भी करेक्ट है। तो इसका आंसर क्या रहा, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मार्जिन्स आर देयर ऑन अ पेज, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 4, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट। ये देखिए, ये स्केल की तरह जो आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं रूलर। तो यहां पे ये जो फील्ड जगह है, यहां पे आप जब क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहां पे ये देखिए, आपके सामने 4 तरह की मार्जिन्स अवेलेबल हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 4 मींस टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट जो है मार्जिन्स वर्ड में अवेलेबल होती हैं। अब यहां पे एक क्वेश्चन और आता है कि मार्जिन्स जो है वो कितने इंचेस हो सकती हैं, तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट मार्जिन जो है वो 1 इंच होती हैं। अगर आप 2003 की बात करो तो 2003 में लेफ्ट एंड राइट मार्जिन जो थी वो 1.25 इंच होती थी और टॉप एंड बॉटम जो मार्जिन है वो 1 इंच होती थी। लेकिन 2007 और उसके अबव वाले वर्जन्स में डिफॉल्ट मार्जिन जो है वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट जो है वो 1 इंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बुकमार्क्स इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू क्विकली जंप टू अ स्पेसिफिक लोकेशन इन द
डॉक्यूमेंट। ये देखिए, बुकमार्क को समझाने के लिए मैंने क्या किया हुआ है, यहां पे एक पेज वन है तो मैंने एक पेज टू मतलब दो पेजेस बना दिए। तो आप क्या करोगे, ये पेज वन के आगे कर्सर लाके आफ्टर दैट आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, उसके बाद आप जाओगे बुकमार्क्स वाली ऑप्शन पे। तो यहां पे लिखोगे पेज वन और यहां से ऐड कर दोगे, मतलब इसे हमने पेज वन बना दिया है। और अब यहां पे मैंने एक और बुकमार्क बना दिया और उसका नाम रख देता हूं पेज टू और ऐड कर देता हूं। अब करंटली आप पेज वन पे हो और आप बुकमार्क वाली ऑप्शन पे क्लिक करते हो और आप चूज करते हो पेज नंबर टू। तो यहां से गो टू पे क्लिक करने के बाद आप पेज टू पे पहुंच जाओगे। ये देखिए, ये आप पहुंच गए पेज टू पे। और अगेन आप अगर पेज वन पे जाना चाहते हो तो यहां पे क्लिक करोगे, तो गो टू पे क्लिक करने के बाद आप पेज वन पे पहुंच जाओगे। सिमिलरली आप डॉक्यूमेंट में अलग अलग सेक्शंस भी बना सकते हो जिसके थ्रू आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे एमएस वर्ड में शिफ्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन यू चेंज यूजिंग द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये देखिए, ये जो आपको रूलर नजर आ रहा है फील्ड, तो यहां पे आप डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहां से आप मार्जिन चेंज कर सकते हो, टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट, और यहां से आप ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हो। अगर आप पोर्ट्रेट रखना चाहते हो तो पोर्ट्रेट को चूज करोगे, अगर आप लैंडस्केप रखना चाहते हो तो लैंडस्केप को चूज करोगे। पोर्ट्रेट में पेज की लेंथ ज्यादा होती है और लैंडस्केप में पेज की विड्थ ज्यादा होती है। आफ्टर दैट आप जब पेज लेआउट वाले टैब पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आप वर्टिकल अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हो, यहां से टॉप सेंटर जस्टिफाइड बॉटम, इन ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो यूजिंग पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स आप क्या क्या कर सकते हो, तो आप मार्जिन्स को चेंज कर सकते हो, पेज ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हो और वर्टिकल अलाइनमेंट को भी चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर मूविंग अ सब डॉक्यूमेंट टू अनदर लोकेशन विद इन अ मास्टर डॉक्यूमेंट यू मस्ट स्विच टू। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, आउटलाइन व्यू। ये देखिए, ये आपके सामने है एमएस वर्ड का एक डॉक्यूमेंट जिसमें कि टेक्स्ट लिखी हुई है और यह यहां से आप चूज करोगे आउटलाइन व्यू। तो ये आपके सामने देखिए, सेक्शन वाइज आपको ये टेक्स्ट नजर आ रही है, तो आप यहां से किसी भी सेक्शन को ऊपर या नीचे भी कर सकते हो या किसी पैराग्राफ को ऊपर या नीचे भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे आप ये सेक्शन टू यहां से शिफ्ट करते हो और ऊपर ले जाते हो और ये देखिए यहां पे छोड़ देते हो, तो ये क्या हुआ कि थर्ड लाइन में सेक्शन टू यहां से स्टार्ट हो गया। तो आप ऐसे ही यहां से सब डॉक्यूमेंट्स जो कि ऐसे यहां से आप क्लिक करके ऊपर ले जाओगे तो ये आपके सामने कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो ये सेक्शन वन बन गया और सेक्शन टू नीचे वाला बन गया। तो ये होता है आउटलाइन व्यू ऑफ एमएस वर्ड। तो सब डॉक्यूमेंट को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मूव करने के लिए हमें कौन से व्यू पे जाना पड़ता है, आउटलाइन व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्टिंग टेक्स्ट मींस सेलेक्टिंग, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, एनी ऑफ अबव। आप डॉक्यूमेंट में एक वर्ड को भी सिलेक्ट कर सकते हो, पूरे के पूरे सेंटेंस को भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर होल डॉक्यूमेंट मतलब कंप्लीट डॉक्यूमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डैश ऑन द राइट साइड ऑफ द मेन्यू बार लेट्स यूजर्स टाइप फ्री फॉर्म क्वेश्चंस सच एज हाउ डू आई सेव और टर्म्स सच एज कॉपी एंड वर्ड रिस्पॉन्ड्स बाय डिस्प्लेइंग लिस्ट ऑफ टॉपिक्स रिलेटेड टू द वर्ड और फ्रेज एंटर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए,
टाइप क्वेश्चन फॉर हेल्प बॉक्स। ये देखिए, ये एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में जब आप राइट कॉर्नर में यहां पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक हेल्प बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप वहां पे कोई भी क्वेश्चन टाइप कर सकते हो एमएस वर्ड के रिलेटेड, और आपको उसका सॉल्यूशन एमएस वर्ड प्रोवाइड कर देगा कि ये वाला जो ऑपरेशन आप सर्च कर रहे हो वो स्टेप बाय स्टेप कैसे परफॉर्म करना है। अगर आप एमएस वर्ड 2007 के बाद वाले वर्जन्स में हेल्प बॉक्स ओपन करना चाहते हो तो आप फाइल मेन्यू पे क्लिक करके उसके बाद हेल्प बॉक्स को ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ड 2010। अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से वर्ड 2010 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन अगर हम इन चार ऑप्शंस की बात करें तो इनमें से लेटेस्ट वर्जन है 2010, लेकिन अब 2019 वर्जन जो है वो भी रिलीज हो चुका है। तो लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस वर्ड जो है वो 2019 है, लेकिन अगर इन ऑप्शंस में से चूज करें तो वर्ड 2010 जो है वो लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेन्यू डू यू चूज टू शेड वर्ड्स एंड पैराग्राफ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेज लेआउट, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। ये देखिए, जब आप पेज लेआउट पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये पेज बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है, तो आप पेज बॉर्डर वाली ऑप्शन को चूज करोगे और ये बॉर्डर एंड शेडिंग का डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां से आप पेज बॉर्डर दे सकते हो और किसी भी टेक्स्ट को बॉर्डर एंड शेडिंग भी दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ डॉक्यूमेंट मैप। तो इसका करेक्ट आंसर है टू क्विकली नेविगेट द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मैप का मीनिंग क्या होता है कि डॉक्यूमेंट में आपने जो भी बनाया है, जो भी काम किया है, उसका एक मैप रेडी हो जाना। तो आप डॉक्यूमेंट मैप की हेल्प से डॉक्यूमेंट में नेविगेट कर सकते हो, मींस डॉक्यूमेंट में मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ अ सेक्शन। ये देखिए, जब आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने हेडर एंड फुटर वाली ऑप्शंस आ जाएंगी, तो आप यहां से पेज में हेडर एंड फुटर लगा सकते हो। जैसे यहां पे आपने फुटर को सिलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ये डिजाइन टैब में आपको यहां पे बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाएंगी हेडर एंड फुटर के रिगार्डिंग, जैसे डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस, नेक्स्ट सेक्शन, प्रीवियस सेक्शन एक्सेट्रा। तो इस क्वेश्चन में कौन सी वाली ऑप्शन है फॉल्स है ये पूछा गया है। तो फर्स्ट वाली ऑप्शन, जैसे यू कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर इवन एंड ऑड पेजेस, ये करेक्ट है। उसके बाद यू कैन सेट डिफरेंट पेज नंबर फॉर्मेट्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस, तो ये भी करेक्ट है, ये ऑप्शन भी आपके सामने अवेलेबल थी। और यू कैन सेट डिफरेंट हेडर फुटर फॉर फर्स्ट पेज ऑफ सेक्शन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है। तो इसमें से ओनली वन ऑप्शन जो है वो फॉल्स है। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ, ये वाला, यू कैन सेट डिफरेंट हेडर एंड फुटर फॉर लास्ट पेज ऑफ सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन एलिमेंट ऑफ द डैश आर इंस्ट्रक्शन पॉइंट एंड मार्क, माउस पॉइंटर, रूलर्स, स्क्रॉल बार्स एंड स्टेटस बार। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। ये सारी की सारी चीजें जो अवेलेबल हैं, जैसे रूलर हो गया, स्क्रॉल बार्स हो गई, स्टेटस बार हो गया, माउस पॉइंटर की अगर बात करें, या एंड मार्क और इंस्ट्रक्शन पॉइंट की अगर बात करें, तो ये किस चीज के एलिमेंट्स हैं। तो ये एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सारा का सारा कुछ अवेलेबल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ड डॉक्यूमेंट विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ यू वॉन्ट टू कीप ट्रैक ऑफ डिफरेंट एडिशन ऑफ अ डॉक्यूमेंट, विच फीचर विल यू यूज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी,
वर्जन्स। अगर आप एमएस वर्ड 2016 में एमएस ऑफिस का वर्जन देखना चाहते हो तो आप फाइल ऑप्शंस पे क्लिक करके अकाउंट ऑप्शन पे जाओगे और यहां से आप देख सकते हो कि कौन सा ऑफिस का वर्जन यहां पे इंस्टॉल्ड है। तो ये देखिए, ये एमएस ऑफिस का 2016 वर्जन जो है वो इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है। तो यहां से आप एमएस वर्ड का वर्जन चेक कर सकते हो। अगर आप एमएस ऑफिस का वर्जन एमएस वर्ड 2007 में चेक करना चाहते हो तो आप फाइल ऑप्शंस पे जाके वर्ड ऑप्शंस चूज करोगे, आफ्टर दैट रिसोर्सेज पे क्लिक करोगे और उसके बाद अबाउट एमएस वर्ड 2007 पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एमएस ऑफिस का वर्जन शो हो जाएगा। सेम काम अगर आप एमएस वर्ड 2003 में करते हो तो उसके लिए आपको फाइल ऑप्शन पे जाना पड़ता है, आफ्टर दैट हेल्प पे और उसके बाद अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, तो आपके सामने एमएस ऑफिस का वर्जन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द रिबन वेयर शुड यू गो टू एक्टिवेट द रूलर ऑन योर डॉक्यूमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्यू रूलर। मींस आप सबसे पहले व्यू ऑप्शंस पे जाओगे और उसके बाद रूलर पे क्लिक करोगे। ये देखिए, ये स्केल की तरह ये जो आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं रूलर। ये लेफ्ट साइड पे भी नजर आ रहा है, ये टॉप पे भी नजर आ रहा है। अगर आप इन्हें हटाना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन यूज करोगे, तो आप व्यू टैब पे जाओगे, आफ्टर दैट यहां से रूलर को अनटिक कर दोगे। तो ये देखिए, ये जो रूलर है वो यहां से हट गया है। अगर आप फिर से वापस लेके आना चाहते हो तो ये रूलर के चेक बॉक्स को टिक कर दोगे तो ये आपके सामने फिर दोबारा रूलर आ जाएगा। अब यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि रूलर का यूज क्या है। तो रूलर को हम एमएस वर्ड में मार्जिन्स को सेट करने के लिए यूज करते हैं। तो एमएस वर्ड में अगर आप रूलर को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहते हो तो आप कौन सी ऑप्शन पे जाओगे, व्यू ऑप्शन पे जाके रूलर वाली ऑप्शन को चूज करोगे। अब आपके लिए लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये एमएस वर्ड के एमसीक्यूज की सीरीज चल रही है, तो उसका हम सेट नंबर 9 कर रहे हैं। तो अगर आपने एमएस वर्ड एमसीक्यूज के प्रीवियस सेट्स को नहीं देखा तो आप राइट कॉर्नर में यहां पे आपको एक आई बटन नजर आएगा, उस पर क्लिक करके आप प्रीवियस पार्ट्स को भी देख सकते हो। विच टैब हैज क्रॉप बटन इन एमएस वर्ड 2016 और अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन डी, फॉर्मेट टैब। ये देखिए, जैसे आपने एक इमेज को सिलेक्ट किया तो क्या होगा, आपके सामने एक फॉर्मेट टैब की ऑप्शन आएगी। आप उस पर क्लिक करने के बाद यहां से क्रॉप वाली ऑप्शन को चूज करोगे और ये इमेज के अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव कर दोगे। जैसे आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये वाला पोर्शन ही जो है कट होके आ जाए, मतलब स्टूडेंट सक्सेस वाला पोर्शन ही आपके पास कट होके आ जाए, तो आप ये इमेज को क्रॉप कर लोगे। तो क्रॉप करने के लिए आप कौन सी टैब पे क्लिक करोगे, फॉर्मेट टैब पे। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमएस वर्ड के सेट 8 में से है। टू मूव द कर्सर पेज टू पेज ऑफ डॉक्यूमेंट। आपके सामने चार ऑप्शंस हैं, आपने इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको इस लेक्चर से कुछ सीखने को मिलता है तो आप स्टूडेंट सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।